हेलो नमस्ते, मैं नाम ब्लॉक्स दिमापुर नकलेम नोडी से हूँ और आज मैं मणिपुर की दुर्घटना के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। आज मैं ये जो वायरल वीडियो हुआ है वो देख के मैं इतना दुख लगा कि मैं रात को भी सो नहीं पाया। वो लोग का जगह में मैं एक बार के लिए इमेजिनेशन करके मैं इतना तकलीफ हुआ ना, कसम से मैं बहुत तकलीफ हुआ। मुझे पता नहीं कितना औरत लोग अभी हर्ट हुआ है ये वीडियो देखने के बाद कि ये इंसान लोग कहाँ से पैदा हो गया कि एक औरत के साथ ऐसे करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ने सबसे पहले दिन से स्ट्रिक्ट एक्शन या तो वो लोग का जो मांग है वो गवर्नमेंट ने देने से तो वो सोचने से तो आज ये दिन नहीं देखना था सबको। फिर भी गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया सब प्रॉब्लम। गवर्नमेंट एकदम चुपचाप, मणिपुर गवर्नमेंट हो या तो इंडिया गवर्नमेंट हो, लेकिन सबसे पहले आता है मणिपुर गवर्नमेंट। जो उसको देखना था उसको किस लिए पब्लिक ने सीएम बनाता है, किस लिए पब्लिक ने उन लोगों को उठाता है, किस लिए उसको सलेक्ट करता है, पब्लिक का दुख तकलीफ में साथ देने के लिए, पब्लिक को देखने के लिए उन लोगों को चूज करता है, उन लोगों को इतना हजारों आदमी का बीच से चूज करता है। फिर भी वो लोग ने वो काम नहीं निभाया, पब्लिक ने तो निभा दिया उसको चूज करके। फिर भी उसने सही टाइम एट द राइट टाइम में उसने पब्लिक को जो मदद करना था, जो पब्लिक का जो केस है वो सॉल्व करना था वो नहीं किया मणिपुर गवर्नमेंट ने। तो आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ और इमोशनल भी हूँ, इमोशनली बहुत हर्ट भी हूँ। और जितना भी औरत देख रहा है सब लोग हर्ट हुआ है, ये दुनिया होल वर्ल्ड में सब लोग ये वीडियो देखने के बाद बहुत ज्यादा दुख है, इतना हेल्पलेस है हम लोग ये सब देखने के बाद। और ये घटना जो है मई 4 में हुआ, फिर भी अभी जाके वीडियो कल परसों से वायरल हो गया। तो ये कितना दिन छुपा के रखा था ये वीडियो को और ये घटना को, और मणिपुर का पुलिस भी क्या कर रहा था उसी का टाइम में, क्यों उन लोगों को नहीं पकड़ा? और मणिपुर पुलिस क्यों इतना सेल्फिश हो गया कि अपने आगे किसी को मदद करने के लिए नहीं सोचा? क्यों नहीं देखा आप लोग ने? क्या जिसका तंखा मिल रहा है आप लोगों को? आप लोग जब कसम खाता है तब कसम लेता है कि देश का सुरक्षा करेगा, अपना खून देगा, अपना वर्दी अपना पूरा देगा, देश का सुरक्षा करेगा बोल के आप लोग वादा करता है, कसम खाता है। तो ये सुरक्षा, ये वादा, ये कसम कहाँ चला गया आप लोगों का? क्यों इतना सेल्फिश हो गया आप लोग? क्यों इतना हार्टलेस हो गया आप लोग? अपना पेटी जैसा सामान के साथ इतना खराब से वो लोग ने सल्यूट किया, फिर भी आप लोग ने ऐसे जाने दिया, आप लोग ऐसे दे दिया? क्यों ऐसे किया आप लोग ने? क्यों? तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो बहने गुजर गया है उसके लिए मैं दिल से मन से मैं उसका आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और उसके लिए भगवान ने उसका आत्मा को शांति दो बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ। और मणिपुरी का जितना भी मई डे और गुगी लोग है मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सुनो अच्छे से, आप लोग दिमाग से काम लो। आप लोग क्यों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं? क्यों एक दूसरे को मारने में लगे हैं? आप लोग ने कितना एक दूसरे का जान ले लिया, कितना घर बर्बाद कर लिया, कितना घर जला दिया, गाँव पूरा वो हो गया, खराब हो गया। अभी तो वो घर में अभी जाके रहने के लिए भी नहीं सकेगा, वो घर नहीं है अभी तो, पूरा जल गया, पूरा राख हो गया अभी तो। आप लोग एक दूसरे के साथ हार्म करके एक दूसरे को मारने के बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग तो गुस्से में हो विथ फुल एंगर बिकॉज यू डोंट हैव एनी आइडिया दैट व्हाट यू आर डूइंग इन बोथ साइड लाइक मणिपुर मेडे एंड गुगी। आप लोग इतना गुस्सा में हो कि आप लोग को होश और आवाज पूरा खो दिया आप लोग ने। आप लोगों को ये आइडिया नहीं है, आप लोग का दिमाग में ये नहीं है कि आप लोग जितना गुस्सा होने से भी एक दूसरे को मारने से भी सिर्फ गवर्नमेंट ने ही सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम, लेकिन गवर्नमेंट एकदम चुप था। आप लोग ने एक दूसरे का इतना जान ले लिया, इतना प्रॉपर्टीज खराब कर दिया, फिर आप अभी क्या मिलने वाला है आप लोगों को? जब तक गवर्नमेंट जुबान नहीं खोलेगा तब तक आप लोगों को कुछ भी वो नहीं होने वाला है, जितना भी कुछ भी करो। तो आप लोग ने एक साथ मिलके एक साथ डिस्कशन करके आप लोग ने ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना था। खमखा आप लोग ने एक दूसरे का जान ले लिया, एक से एक गांव अलग हो गया, सब एक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फैमिली सी है, फिर भी आप लोग ने अलग अलग करके अलग होके आप लोग ने पूरा जंग लड़ लिया,
सब कुछ हो गया और आज ये दिन इतना खराब, ये सब औरत के साथ भी इतना खराब चीज ऐसे हो गया। और आप लोग मेरे लोग को मैं बोलना चाहूंगा, जिसने भी ये काम किया है एक औरत के साथ, एक औरत को आप लोग इज्जत देना कि इज्जत देना है कि आप लोग को इज्जत के साथ खेलने के लिए नहीं है ये औरत। औरत को इज्जत देना है, फुल रेस्पेक्ट के साथ इज्जत देना है औरत को। औरत को उठाना है, औरत लोग मर्द के लिए उठाता है, मर्द के लिए, औरत लोग फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करता है, ये दुनिया के लिए सेक्रीफाइस करता है औरत लोग, लड़का लोग भी करता है। फिर भी आप लोग ने क्या किया आज का दिन में, बोलने के लिए भी शर्म आ रहा है। और इंडिया का गवर्नमेंट हो, मणिपुर का गवर्नमेंट हो, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग शर्म आया कि नहीं आया आप लोगों को, ये बोलो एक बार। ये खुद के साथ एक बार क्वेश्चन करो कि आप लोगों को थोड़ा भी शर्म महसूस हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग वैसे तो पब्लिक फकाने से पहले उठ के चला जाना चाहिए आप लोग। आप लोग कुर्सी में बैठने के लिए फिट नहीं है आप लोग, नॉन डिजर्विंग। चाहे मणिपुर गवर्नमेंट हो, चाहे इंडिया का गवर्नमेंट हो, और पुलिस वाला, मणिपुर का पुलिस इतना इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? ये सब हो गया फिर भी मणिपुर का पुलिस ने क्यों अरेस्ट नहीं किया है? और मणिपुर का पुलिस क्या कर रहा था जब एक औरत के साथ इतना बदसूरत ये सब हुआ? क्या कर रहा था आप लोग? आपका घर में आपका बीवी बेटी आपका बहन बच्चा नहीं है, आप लोग क्या देख रहा था, क्या कर रहा था, मजे ले रहा था आप लोग? आप लोग क्या जिसका तनखा खा रहा है, क्या जिसके लिए आप लोग तनखा मिल रहा है आप लोगों को? मुझे इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा है, मेरा मन इतना दुख है ना कि मैं क्या बोलूं। मैं अभी होल वर्ल्ड में ये वीडियो वायरल हो चुका है, ये वीडियो जा चुका है अभी तो। अभी सब औरत लोग मन ही मन अंदर से सब लोग रो रहा है। और आज का दिन में नागालैंड में भी ये कैंडल लाइट होने वाला है रात को 6 बजे को। तो मैं ये एक चीज बोलना चाहूंगा, प्लीज कुकी एंड माइटेस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस आर वन फैमिली, वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, वन फैमिली। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड स्टॉप किलिंग ईच अदर, स्टॉप हार्मिंग ईच अदर, प्लीज प्लीज। You will regret one day. You will regret after all this time. You will regret. आप लोग एक दूसरे को मारने के बाद आप लोग बाद में regret करेगा, क्योंकि ये solve जो है गवर्नमेंट ही करना है। आप लोग जितना भी कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप लोग एक दूसरे का जान लेने के बाद, एक दूसरे को harm करने के बाद सिर्फ दुख मिलेगा। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दीदी, मेरे भैया, सबको सबको बोल रहा हूँ मैं। आप लोग गुस्सा से पूरा दिमाग हिल चुका है आप लोगों का, खुशा ठंडा करो, शांति करो। और जितना भी लीडर्स लोग हैं, प्लीज आप लोग अपना नीचे का, अपना नीचे लोगों को लेके आगे ऐसे छकरा के लिए, ऐसे लड़ने के लिए मत लेके जाओ। आप लोग डिस्कशन करो और अच्छा चीज के लिए, अच्छा सॉल्विंग के लिए डिस्कशन करो। एंड आई प्रे फॉर एवरीवन दैट हु हैव लॉस्ट योर लव वंस, दैट मे गॉड ब्लेस योर सोल रेस्ट इन पीस। सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग ने अपना प्यार किया हुआ, मतलब अपना फैमिली में अपना पिता, अपना माँ, अपना बहन भाई बच्चा बेटा को खोया है, तो दिल से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसका आत्मा को शांति मिले। और अभी तो ये इतना ही करो, बस करो, अभी छकरा बंद कर दो। और जितना लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सब लोग मणिपुर के लिए आवाज़ उठाओ, सब लोग एक साथ करके आवाज़ उठाओ। और मैं वीडियो में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, अगर किसी को फीलिंग्स हर्ट हुआ, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। बट देन आई एम सो ब्रोकन राइट नाउ फॉर आवर सिस्टर दैट शी फेस दैट, उसने जो फेस किया है ना, हम लोग इमेजिनेशन करने से बहुत दुख लग रहा है, बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। तो मैं आज ये वीडियो में यहाँ पे खत्म करना चाहूँगा। तो प्लीज़ पीस बी विद यू ऑल एंड प्लीज स्टॉप हार्मिंग ईच अदर। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करो। हम लोग सब लोग एक दिन मरना, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है। सो प्लीज़ एक दूसरे को हार्म मत करो। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़
डू नॉट हार्म ईच अदर और डिस्कशन करके सोल्यूशन हो सकता है अच्छी से, वार करके सोल्यूशन नहीं होगा। सो प्लीज डिस्कस करो एक दूसरे के साथ में। सो आई होप आप लोग समझ में आया होगा मेरा बात को, तो आप लोग भी लाइक शेयर कर दो, और जितना भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जो अभी तक मेरा चैनल को सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच एंड देन या पीस बी विद यू ऑल मणिपुर। सो हैव अ गुड लाइफ।